हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चिकन के एक नए रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिकन मसाला फ्राई। इसके लिए मैंने चिकन लिया है करीब 200 ग्राम बोनलेस। प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है, टोमेटो का प्यूरी, धनिया पत्ता और अदरक लहसुन और मिर्चा पेस्ट, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, तेज़पत्ता और मैंने यहाँ पे बादाम लिया है और गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च और घी और नमक स्वाद अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल दे दूँगी करीब 3 चम्मच। मैंने ऑयल दिया है। इसके बाद इसमें मैं जीरा ऐड कर लूँगी। जैसे जीरा थोड़ा सा चटकने लगे उसके बाद इसमें मैं तेज पत्ता दे रही हूँ। लहसुन का पेस्ट करीब 1 चम्मच, अदरक पेस्ट 1/2 चम्मच, मिर्चा पेस्ट थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं, जैसे लिए इसको स्पाइसी। ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें पकड़ी जब मैंने बनाया है उसको ऐड करें। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च कई बार तो मन करके फ्राई कीजिएगा तो ताकि इसका कच्चापन चले जाए। अदरक लहसुन और प्याज का ऑयल सारा निकल गया है और इसमें आप चिकन को दे दीजिए। मिक्स
चिकन को तक तक मैं इसको मिक्सी में पेस्ट बना ले रही हूँ, पानी नहीं दूंगी इसको, पाउडर की तरह बनाऊंगी। ढक्कन हटा के देखिए, ऑलमोस्ट मैंने जो चिकन बनाया था वो तैयार हो गया है। अब इसमें जो मैंने बादाम का पाउडर बनाया था वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। कुछ देर के लिए इसको रख देंगे, 5 मिनट। ढक्कन दे के मैं गैस का फ्लेम कम कर दे रही हूँ। अब इसको मैं देख ले रही हूँ चेक करके, चिकन रेडी हो गया है। आप देख ही सकते इसका ऑयल निकल आया है पूरा इससे। अब इसमें मैं कस्तूरी मेथी थोड़ा सा घी इसमें दे रहे हैं। आप चाहे तो घी दे भी सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं लगेगा। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि मिक्स हो जाए अरोमा इसका। ये हो गया है, अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। रेडी हो गया है चिकन मसाला फ्राई। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा, नान, किसी के साथ भी खा सकते हैं इसको। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए रेसिपीज की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तो व्यूअर्स, बाय बाय।